अमेरिका में कोरोना वायरस ने हालात बद से बदतर कर रखे हैं, जिसके चलते अब अमेरिका में सियासी संघर्ष भी छिड़ने लगा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप और न्यूयॉर्क के गवर्नर आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल ट्रंप ने राज्यों से अपेक्षा करते हुए प्रतिबंध हटाकर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात कही, लेकिन ट्रंप के इस बयान का न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में आए। उन्होंने कहा कि ट्रंप तानाशाही से बचे, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, देश के राजा नहीं। जिस पर ट्रंप ने दावा किया है कि देश में राष्ट्रपति होने की वजह से देश में प्रतिबंध हटाने का अधिकार उनके पास है। उनके इस बयान पर गवर्नर ने कहा कि ट्रंप का ये दावा संविधान विरोधी है। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करना उनका काम है।